वो उन उनके के मैसेज देना चाहिए लव मैरिज बेस्ट या अरेंजमेंट कोई सी बेस्ट नहीं <laughs> <laughs> है बेस्ट बनानी पड़ती है किन्नर वाला साइड जाकर आके मेरा सेमोल ले लिए मतलब कल तक दसली होली बेटी करे दीया मन तो सारा सिर मार लिया अपना सारा दिमाग लगा लिया अ के बवाल है यो करे दी समझ ये इतने हूं

तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू तो माईट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्टैंड दोस्त सुखन रेडू तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे बहुत अच्छी प्यारी जोड़ी है बहुत अच्छे प्यारे कपल हैं तो भाई इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं तो फिलहाल हूँ मैं कैथल ओह सॉरी कैथल हूँ तो इसे डायलॉग इसे शब्द लेकर तो डायलॉग बनाए जावे हैं बहुत अच्छी मजाक वाले हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही वायरल हो गए और अच्छे अच्छे डायलॉग आवे हैं हरियाणा लेकर हरियाणा की बोली लेकर काम कर रहे हैं तो नाम है डॉक्टर सोनिया रोहित तो जोड़ी तो बातचीत कराएं कुकर के स्टार्टिंग हुई और जुड़े रही पूरा इंटरव्यू बड़ा मजेदार इंटरव्यू होने वाला है तो पहले तो राम राम जी राम राम सबको खेतल वालों को और नरवाना वालों को भी और पूरे हरियाणा को बिल्कुल और पूरे बागड़ वालों को भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ बिल्कुल तो बातचीत कराए नोक जोक से भी रो क्योंकि एक बागड़ है एक बलिया का यू बांगरू कह दिया इस साइड के अपना तो पूरी बातचीत करेंगे तो तो मैडम जी पहले आपको एक डायलॉग सा सुना दे जो स्टार्टिंग में कोई वायरल हुआ था माइंड में था ये बढ़िया रहा है वायरल तो मेरा क्रेबी वाला भी हुआ था और दूसरा था कि भाई tío हरियाणा इन को बोला है कि सच्चे में

और शादी हुई है मेरी कान्नाखेड़ा गांव में नरवाना के पास अभी फिलहाल हम कैथल में रह रहे हैं कैथल में ही काम है अपना क्लिनिक है मेरा तो मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं कैथल okay. तो मैंने डॉक्टर बोला था डॉक्टर सोनिया तो डॉक्टर ये नहीं भाई इंस्टाग्राम की डॉक्टर है भाई जिसकी रील नहीं चलती उसके भी टिप्स बता है तो और भी डॉक्टर है किसी मरीज़ के है भाई मतलब कोई भी अपने भाई बीमारी हो उसके रिलेटेड बातचीत कर किस तरह की डॉक्टर है तो पहले डॉक्टर के बारे में बता दो आप डॉक्टर क्यों लगा रखें मैं बी एच ए मेंस हूँ होम्योपैथिक फिजिशियन या होम्योपैथिक डॉक्टर तो मैंने रोहतक से किया है मेरा कोर्स और अभी मेरे को तीन साल हो गए यहाँ पे क्लिनिक करे अच्छा। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है देखिए काफ़ी लोगों को पता भी है आ, और कुछ लोग इसके बारे में अवेयर नहीं भी हैं होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट लोगों के मित है कि लंबा चलता है वो आयुर्वेदिक होती हैं हाँ लेकिन उसी कैटेगरी में आती है कि साइड इफेक्ट्स नहीं है बिल्कुल भी होम्योपैथी के तो जो लंबी बीमारियां हैं उनमें काफी अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो मोहित भाई आप मेरा वेब डिजाइनिंग का काम है, थोड़ा बहुत और ये जो एडिटिंग, है सब कर लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत okay. हाँ. तो तो पूरी है, अलग लाइन है इस लाइन तक अटका है तो क्या सोचा बनावा डॉक्टर की तो सब तो अलग होगी बिल्कुल सोचा तो नहीं था लेकिन जो घर परिवार है जो बैकग्राउंड है वो सारा ही ऐसा है हंसी मजाक हर टाइम मतलब तो आप हमारे घर बैठोगे तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि कभी को कोई सीरियस हुआ होगा आ, तो वो चीज़ जेनेटिक थी आ, फिर क्लिनिक कर लिया डॉक्टर बन गए तो सोचा नहीं ऐसा कि कहीं प्रोफेशन पे फर्क ना पड़े लेकिन फिर धीरे धीरे वही है कि जो मन में रहती है ना कि करना है करना आ, है वो चीज़ आ ही जाती है फिर सोचा पर्सनल लाइफ अलग है प्रोफेशनल अलग है आ, तो फिर थोड़ा ये भी था माइंड में कि हरियाणा से रिलेटेड करेंगे जो भी करेंगे अपनी जो बोली है उसको आगे लेके जाएंगे जो कल्चरल डिफरेंस हैं हमारे उनको ही आगे लेके जाएंगे इसलिए ये शुरू किया ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਬਸ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਿ ਹੋਏ ਬਸ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਘਰ ਤਾਂ ਬਸ ਓਪਿਸ ਮੋਪਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੁਕਰ ਬਾਹਰ ਆਂਡਿਆ ਕਰਦੇ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਾਛਾ ਤਾਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਟੈਮੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਰੋ ਨੇ ਬਕਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾ ਹਾਂ ਆਈ ਵੀਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਿਗੜਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੋਇਸ ਮੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਬੜਕੋ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾ ਬਹੁਤ ਰਾਸੇ ਮੋਲ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੁਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਪਬਲਿਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਕੇ ਲੋ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇਂ तो अरेंज मैरिज है अरेंज है क्योंकि कई कमेंट देखे नहीं कि लव मैरिज पाओगी क्योंकि इतने असमुख भले लव मैरिज आके हैं भले देख लो तो शाम अरेंज मैरिज आड़े भी खुश है तो आपने बोलिया आप पहले सोचा भाई बनावांगे बनावांगे बनावा तो इतना टाइम क्यों लग गया सी वीडियो पहले माइंड माइया इतना टाइम इसलिए लगा देखो शादी से पहले तो इसलिए नहीं लगाया कि कहीं घर वालों को बुरा ना लग जाए या फिर एक लड़की के मन में ये डर रहता ही है कि कोई बुरे कमेंट आ जाएंगे आ। या कोई मैसेज कर देगा मेरे पास हाँ। आगे जाके क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इस चीज की वजह से कभी सोशल अकाउंट नहीं बनाया था प्राइवेट था लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं था फिर शादी होगी तो मोहित ने ही एनकरेज किया इस चीज के लिए अच्छा। एक सपोर्ट हो जाता है ना पीछे की कोई बुरा कमेंट आ गया देख लेंगे कोई हाँ। बात नहीं है ना हाँ। कोई मैसेज आ गया कोई कुछ बोलने वाला आ गया तो देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए शादी के बाद मोहित की वजह से ही ये चीज शुरू की है बहुत बढ़िया क्योंकि आज शादी हो जाए तो कई बार लड़की ने फोन छीन लिया भाई कोई फायदा नहीं साइड अंदर दे तो शादी शुदा होगी और देखो मोहित ऐडा सपोर्ट करा है तो मोहित तो भाई के मन माए क्योंकि बहू बहु एस हो जाए उसका फोन सारे तो चेक करना कई अगर हो मन वह तो होना चाहिए बल्कि क्योंकि एक दूसरा अच्छी तरह जाना तो सारा बेरा हुआ है तो आपने तो स्पेशल वीडियो बनवाई पब्लिक भी कमेंट भी करा है भाई मैसेज भी करा तो आपको कूकर मन क्योंकि देखो आने वाला टाइम है ना वो सोशल मीडिया का है अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है तो ये आपके फ्यूचर में बहुत आपकी हेल्प करेगा और जो आपने बात बोला कि लोग शक करते हैं वो करते हैं फोन चेक करते हैं भाई चाहे हम कुछ कर लो अगर कोई गलत है ना जितनी तुम वो चेक कर लो कुछ कर लो वो गलत है ना तारा हाथ मावे को नहीं चार में तो हाँ तो चार दीवारी में कुछ कर लियो वो अपना एक ट्रस्ट हो गए हाँ। जितना आप ट्रस्ट करोगे वो ट्रस्ट उतना ही एक दूसरे के अंदर बढ़ता जाएगा और जितना आप शक करोगे वो शक और ज्यादा फालतू होता जाएगा बिल्कुल हाँ। तो मैंने बोला था बहुत अच्छी प्यारी जोड़ी देख सको क्योंकि एक दूसरे पर शक नहीं है मिलकर का काम करना लग रहे हैं पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी याद हो पहली तो एक तो एक एक सॉन्ग पे वायरल हुई थी थी अच्छा। भी नहीं शादी की वीडियो थी सारा <laughs> उस हाँ। हाँ। उसके बाद ये <laughs> <laughs> हरियाणा वाले लेके आए तो सबसे पहली हुई थी करेबी वाली की भाई आड़ा बोलो है करेबी कटोरी ने और हमारी साइड मैंने सुना ही नहीं था कि करेबी क्या होती है कटोरी भी नहीं सुना था ना करेबी हाँ, तो 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 मुझे तो नहीं पता था ना हमारे तो सारी चीजों कटोरी बोलते हैं <laughs> चाहे <laughs> वो छोटी हो बड़ी हो इबाड़ा आगे बेरा बढ़ा उसकी बड़ी बाढ़ न कटोरी की बड़ी बाण न करे बिल्कुल पर है बिंदी और लत्ता तो तो हरियाणा संस्कृति प्रमोट मैडम जी ई बाप क्यों देखिए मेरी पर्सनल लाइफ अलग प्रोफेशनल अलग यहाँ मेरा क्लिनिक है हाँ। क्लिनिक में मैं उसी तरह से रहूंगी एक एलिगेंट तरीके से भाई पेशेंट भी आते हैं तो मैं उसी तरीके से आती हूँ यहाँ पे जब हम हरियाणा को प्रमोट कर रहे हैं एक हमारी संस्कृति है सर पे चुन्नी रखना हाँ। पसंद भी है इस वजह से वहाँ पे मैं ये सर पे चुन्नी रख के ही वीडियो बनाती हूँ तो मोह तो भाई बात करा ही लड़कियाँ प्राइवेट अकाउंट रखे हैं फैमिली का दबाव तो है समाज का दबाव तो है तो क्योंकि उनने भी आज़ादी होनी चाहिए एक लड़का न हुआ है तो आप के मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं तो बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो कुछ लड़कियों को इस बात का डर होता है या उनके घर वालों को भी डर होता है कि अगर ये लड़की वीडियो बनाएगी इसके ऊपर लोग गलत कमेंट करेंगे या फिर इसके ऊपर कोई गलत वीडियो बन जाएगी देखो वो 90 परसेंट तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हो अगर लड़की कोई मतलब बढ़िया वीडियो बना रही है तो उस पर गलत कमेंट करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर अच्छा कमेंट बना रखा है वो अच्छा कंटेंट बना रखा है वीडियो अच्छी है आपकी तो अच्छे लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे अगर आप उसके अंदर वलगर चीजें लेके आओगे तो उसी टाइप के लोग आपके साथ जुड़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी वीडियो बनाते हो तो उसी उसी तरह की आपके साथ पब्लिक जुड़ती है तो इसलिए अगर आप आना चाहते हो आगे आना आप चाहते हो तो अपने अच्छे कंटेंट को लेके आगे आओ इसमें डरने की कोई बात नहीं है बात तो यह भी हो भाई मान ले यहाँ तो यहाँ तक जाओ तो उसके दो चार एटर्स भी होंगे हैं तो उस चीज ने थोड़ा नेगेटिव ले जाए लोग चार पांच कमेंट आते हैं तो मैडम जी से कोई कमेंट आई हो ऐसा कोई मैसेज आया गलत लग गया और छोट वीडियो कौन बना दे बहुत दो दिन स्ट्रेस रहा एक कमेंट नहीं जो खैतड़ वाली वीडियो डाली थी ना आ, मैंने <laughs> देखो सबको पता है कि हम कैथल को खैतल बोलते हैं सबको जैसे हमारे बड़े बुढ़े सब खैथड़ बोलते हैं लेकिन इस वीडियो पे इतने बैड कमेंट थे कि अनपढ़ है गवार है इसने लिखना नहीं आंदा इसने न्यू नहीं बेरा यो खैथड़ को नहीं इसने हिंदी में भी कौन लिखना आंदा तब थोड़ा बुरा तो लगता ही है देखो लेकिन फिर वो दो दिन बाद नॉर्मल हो गया सब कि कोई बात नहीं ये बेचारे

तीन साल हो गए तीन साल हो गए तो मोहित भाई अच्छी तरह जानो हो तो सोनिया मैम ने तो आप उसकी दो गुड एबिट बता दो पहले गुड एबिट तो यही है मेरे को जो सबसे अच्छी लगती है कि डॉक्टर है और जो मेरा मानना है कि डॉक्टर रट्टे मारने में पूरे तेज होते हैं इन्होंने सारी अपनी जिंदगी ये रट्टे मार मार के ही निकाल दी भाई समझने में निकाल दी अगर अब सोनिया को कुछ बोल दे कि सोनिया ये बोलना है पूरी अगर मैं इसको दस पेज की वजह दस पेज की एक बार में बोल देगी अच्छा। और मेरे को बोलना पड़ जाए तो वो मैं दस दिन में भी नहीं बोल पाता बोल पकड़ अच्छी है हाँ पकड़ अच्छी है ये रट्टे मारने का इनके ऊपर वो फायदा मिला हुआ है इनको इस चीज़ का अच्छा तो आप डॉक्टर नहीं हो भाई जी नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ अच्छा डॉक्टर कुकर मिल गया इवन लोग कमेंट भी करांगे ये तो डॉक्टर को नहीं क्योंकि डॉक्टर ने डॉक्टर मिला है तकरीबन ऐसी कोई बात नहीं होती <laughs> ये तो अब क्या जी ये तो भगवान ही जानता है कैसे मिल गई क्या है ऐसा अच्छा, कुछ नहीं कह सकता इस बारे में तो मैं कैसे मिलेगी गई बेड और बता देगा। तो दे एक बार कोई अच्छी नादी चेंज कर ले तो मन बहुत बढ़िया लगा अब बेड तो बेड यही है कि भाई जब तक कोई बात सर पे नहीं आ जाती तब तक काम नहीं होता ये बोलते कि भाई पहले से तैयारी करके बैठेंगे ये बैठेंगे ऐसा कुछ नहीं है जब पूरी सर के ऊपर बात आ गई कि अब तो करना ही पड़ेगा तब जाके कोई काम होता है हाँ बिल्कुल सारी स्क्रिप्ट आपकी हो गया बस ये है कि मिलके अपना कर लेते हैं थोड़ा बहुत मैं इसने कोई बात बोल दी फिर उसके ऊपर मैंने बनाना है कि भाई हाँ फिर उसके अंदर इसने एडिट कर दिया ना ये बात सही नहीं है ये बोलनी चाहिए ये बोलनी बस ऐसा करो एडिट कर लेते हैं खुद अब किसके पास भेजे एडिट कौन से इसमें करो सॉफ्टवेयर में एडिट करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बाकी आजकल यूट्यूब है अगर आप मतलब वीडियो हमारी देख रहे हैं आ, तो सिंपल सी यही बात है कि YouTube के ऊपर जाओ उसके ऊपर आपको सब पता लगेगा किस तरीके से आपको वीडियो एडिट करनी है कहाँ से साउंड करना है आज के टाइम पे सब कुछ है आपके पास अगर आप YouTube पे जाओगे तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी मैं तो सब लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर सब कुछ है क्योंकि यूट्यूब वो सिंगर भी हैं कई भाई एडिटर भी हैं वो उसने गुरु महेंद्र ओडा सर्च करके कुछ भी देख सको वहाँ पे अच्छा मैडम जी आप बता दो उसकी दो, दो बैड बता दो जो अच्छी लगती सारी ठीक लगती है बता दो अब तो देखी जाएगी क्या है बैड मोहित तो? चेंज कर लिया भाई थोड़ा <laughs> सारी अच्छी है बैड है नहीं। ये तो है अपना तो बैड ये है कि हमारी मान लो लड़ाई हो जाए आ, तो मुझे ये होता है कि भाई लड़ाई कर मेरे साथ और अच्छा, मुझे समझा आ, मनाओ तो मुझे मनाओ ना 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 गाने गुने वाला तो नहीं लेकिन मनाओ मतलब ऐसे अच्छा, नहीं कि चुप बैठ जाए आदमी आ, मुझे होता है कि वो बात खत्म करो लेकिन मोहित का क्या है कि ये सो जाता है लड़ाई होगी सो गया वो फिर और गुस्सा आता रहता है लड़ाई करके सो गया हाँ बस ये बहुत ज्यादा बैड लगती है बाकी सब बढ़िया है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और भगवान ऐसा जीवन साथी मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान की ऐसा ऐसा साथी मिल जाए जीवन साथी पैर तो दो पी पैर पैर तो नहीं दो मैं <laughs> हाँ लेकिन ये है कि हाँ खुशी है इस चीज की कर दो फिर सर की मैलस तो करे दो <laughs> जरूरत नहीं पड़ती ऐसा कुछ भाई मोहित तो मुझसे कुछ नहीं करवाता ऐसा कुकर <laughs> कर तो सो जाए हाँ ਐਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਰਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਦਮੀ ਸੋ ਗਿਆ ਲੜ ਲੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਮੋਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਨੋ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਰੂਠ ਜਿਆ ਕਰ ਤੋ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨ ਠੋਡੀ ਭਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਸੋਈ ਜਾਉ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਬਤਾਉ ਬੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਖੈਰ ਆਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਸੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਨਾ ਇਸੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਆਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਕਮ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹ

सब कुछ बना देते सब, हैं आता कुछ नहीं यूट्यूब खोलते यूट्यूब पे देखा आ, हाँ, थे। थे आप क्लिनिक पता लेट जा करो ना बढ़िया बनाया मिलेगा <laughs> बना देते हैं कई फेवरेट हाँ। बना अपने आप ही बोल देते हैं अच्छा। कि सुबह कल कह रहे थे आज मैं कुछ अच्छा बनाऊंगा कुछ अच्छा खिलाऊंगा तुझे देखो भाई ये है जीवन साथी असली बात ये होती है कि जिस दिन मेरा कुछ अच्छा खाने का मन होता है ना मैं उसी दिन करता हूँ इस इस बात का इंतजार नहीं करता कि हाँ मैं इस बात का इंतजार नहीं करता कि इसको बोलूंगा ये फिर ये बोले की मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी आप इंतजार ही नहीं करते आ, जिस चीज का अपने खाने का मन किया वो बना लेते हैं फिर उसके अंदर कहते हैं थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए बोल देते हैं कि तेरे लिए बनाया ये बनाया

उनके दस बीस चालीस पचास से लाई काम हो उन बता दो टिप्स ही भाई वहाँ भी वायरल हो जाए कंटेंट लेके चलो एक ही चीज पर टिको बार बार मत बदलो आज लिपसिंग कर दी कल बोल की बना दी परसों तीसरी चीज़ बना दी नहीं चलेगी एल्गोरिदम में सेट हो पहले इंस्टाग्राम के कि भाई यही करना है पहले माइंड में बनाओ कि चाहे आपको लिप्सिंग करनी है तो लिप्सिंग ही करो कितने दिन हो गए रील बनाते हुए और

फिर वो दिमाग में कंटेंट दूसरा आ गया था ना हम हाँ। भी तो जैसे मैंने अभी बताया कि भाई टिको हाँ। टिका नहीं ना मैं टिके नहीं दिमाग टिका नहीं जगह हाँ। अब दोबारा से सारा शुरू किया है स्टार्टिंग में सोचा मैं दस व्यूज हो। तो दस तो तो एकदम कुक हाँ, हाँ। पेशेंस 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 होना चाहिए अगर आप आ रहे हो ना इंस्टाग्राम पे तो पेशेंस लेके आओ आपका फिर पेशेंट पे ध्यान था ना पेशेंट बिल्कुल देखो मेरा तो प्राइमरी तो यही है मैं क्लिनिक है मेरा मेरा काम वही है जिंदगी भर का ये तो सेकेंडरी चीज है मेरे लिए और मैं तो जो देखो मैं ये बात कहना चाहूँगी जो भी इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं भाई अपना एक करियर बनाओ उसके बाद तुम करो मान लो तुम कुछ नहीं कर रहे तुम 22 तेईस साल 25 साल के हो गए हो तुम इंस्टाग्राम पे आ रहे हो तुमने रील डाली पूरा दिन तुम वेट करो रील चली नहीं रील चली नहीं रील चली नहीं तो डिप्रेशन ही होगा है ना अगर तुम कोई दूसरा काम कर रहे हो जो वो छोटा मोटा काम हो उसके साथ तुम रील डालो मैं सुबह डालती हूँ उसको दोपहर को देखती हूँ हाँ। तो, हाँ। तो ये है अगर जैसे कई कमेंट भी आते हैं कि हमारे तो सोशल मीडिया की वजह से स्ट्रेस हो गया उसका रीजन यही है तुम और कुछ नहीं कर रहे थोड़ा छोटा मोटा काम करोगे साथ में जरूरी है मान लो जैसे टिकटॉक बैन हो गया था कल को कुछ इस पे हो जाए फिर हम तो मेरी तो सोच यही है यह हो मतलब सोच समझ के चलना आ रहे क्योंकि साइड में एक रखोगे ना इन खरे के लिए सरकारी नौकरी ला रेस रेस पर ध्यान दे फिर वो ओढ़ते भी जावा साइड में कुछ काम करें जॉब वगैरह तो क्योंकि वो फिर ओडा बंदा मार में को नहीं आता आने वाले फ्यूचर प्लान प्लान तो आज तो किया ही नहीं कुछ <laughs> हमारा बस बस बिल्कुल सारा रेंड़म। सारा ये है।, है कि जो हो जाता है ना उसी में अपना इंजॉय करना शुरू करता है, है, कर है। हाँ। प्लान करते हैं ना हम कोई चीज अगर वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ना हो पाए तो डिप्रेशन होता है स्ट्रेस होता है आजकल हाँ। लोग सबसे ज्यादा यही बोलते हैं भाई ये प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया इतना उम्मीदें कम रखो उम्मीद कम रखो इतना वो क्यों डालना है लाइफ पे भगवान ने प्लान करके भेजे हैं जो हमारा खातिर है वो मिलेगा लिख रखा है भाई इतना यो लिखा था भगवान आज ने काम भी करना चाहिए आज पैदा होए हो।, हो आज मरना है आज यो होगा ये तीनों चीज लिख रखी हैं इसके बारे में जितना कम सोचेंगे उतना बढ़िया प्लान एक क्यों है तड़का उठ के ब्रेकफास्ट में क्या खाना उस तो दूसरा प्लान है गोनी का जिस पे हमारे 100 बार लड़ाई हुई है और वो भी फिर मौईद भाई बना ना मैं तो नहीं बनांदा बस म्हारे नु रौला हो जाए एक बार

बिल्कुल कुछ चीज बेस्ट नहीं होती भले अगर लव मैरिज में पहले उस बंधन जाना है तो इस करके बेस्ट होगा नहीं हो लव मैरिज में भी तलाक होते देखे हैं अरेंज में भी देखे हैं।, हैं क्या होता है अंडरस्टैंडिंग भाई दोनों साइड समझना पड़ा है आजकल न्यू नहीं रह रहा कि छोरी छोरी समझेंगे पहले था ये भाई औरत घरने थी भाई आदमी नह की चाल कर दी औरत सिर्फ घर के काम करा कर दी या ये समझेगी नहीं जब बिल्कुल भी नहीं और मेन डिवोर्स के रीजन ही ये आ रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट दोनों कमा रहे हैं है ना दोनों कमा रहे हैं तो वो एक जना क्यों दबेगा दूसरे से तो अंडरस्टैंडिंग है भाई दोनों समझेंगे ना तभी काम चलेगा ये तो ये तो चाहे आप लव कर लो चाहे अरेंज कर लो दोनों में समझना पड़ेगा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तभी चले जगह तो लड़कियां भी कमा अच्छे कई हो नहीं भाई मैंने तो सरकारी के ब्याह दिए अब वो उसका क्या है वो समझो भाई जब जो तो आप अगर कुछ नहीं कर रहे तो आप घर का काम तो करोगे ही अब मैं नहीं आप कर भी रहे हो तो रोटी पोगी तो खानी पड़ेंगी वो तो, <laughs> तो वो तो हम भी कर रहे हैं चाहे मैं क्लीनिक कर लूँ चाहे कुछ कर लूँ जाके रोटी तो पोनी है <laughs> तो मोहित भाई आप क्या कहोगे सरकारी जो बेस्ट है या प्राइवेट अपना जॉब बिजनेस बढ़िया जो मिले वो बढ़िया है <laughs> हाँ इवन न्यू सरकारी भी अपनी जगह उसके अपने फ़ायदे हैं अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है उसके अपने फ़ायदे हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं नुक, किस्मत का लिखा है हाँ किस्मत का लिखा है बाकी हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान है बस ये मत सोचो कि आप मेरे को भाई सरकारी ये करनी है ना नहीं सोचो भाई मैंने बिज़नेस करना है आप हर जगह अपने ट्राई करते रहो कहीं ना कहीं तो आपका ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਆਈ تھی ਮੂਵੀ ਦੇਖਿਆ नहीं देखी देखा प्रमोट नहीं कर फिल्म तो बहुत आई है गुलजार की भी आई है और की भी आई है बट अच्छी चीज देखा देखे पूछा है हरियाणा की तो बाकी हरियाणा ने लेकर काम कर लास्ट में यूथ ने क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को मैसेज अगर आप में टैलेंट है तो उसका यूज़ करो घर पे मत बैठो ऐसे ही कि ये वेट करो कि सरकार को गाड़ियाँ दे ली फलाने को गाड़ियाँ दे ली कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा अगर तारा में टैलेंट है तो तुम कुछ भी कर सको और करना भी चाहिए जो ये बाईस तेईस से अट्ठाईस साल की उम्र है इसमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जो तुमसे बनता है चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा वो शुरू करो चाहे सोशल मीडिया हो और ख़ासकर लड़कियों के लिए भाई इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो बस अपनी माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रख के आप जो भी कर रहे हो ना आप बस ये सोच के करो कि अगर कल मेरा माँ बाप या भाई देखेगा वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर आप ये देख के कर रहे हो ना तो कोई बैड कमेंट करेंगे ना आपको उससे कोई अफेक्ट पड़ेगा और आपके माँ बाप भी आपकी इज्जत करेंगे तो मैं एक बात तो पूछना भूल गया आपका जो क्लिनिक है नहीं किस तरह के मरीज देखो आप किस तरह की बीमारी हर प्रकार की सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के मान लो एक्सीडेंटल केस है हार्ट अटैक का केस है जो इमरजेंसी होती है उनको छोड़ के सारी जैसे लंबी बीमारियां हैं शुगर थायराइड माइग्रेन और पेट की सारी दिक्कतें बालों का झड़ना सब में बढ़िया रिजल्ट है ओमोपैथी के तो मैडम जी का क्लिनिक है भाई कैथल में कैथल में <laughs> कैथर्मा गया भाई कोर्ट के सामने है तो किसी तरह की बीमारी बोले एमरजेंसी ने छोड़ गए किसी की बीमारी किसी तरह की हो तो छुटकारा मिल जाएगा तो भाई मोहित आप के मैसेज देगा मैं तो बस यही मैसेज दूंगा कि सोशल मीडिया है ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप वहाँ से सीखो और इतने पैसे कमा रहे हैं लोग सोशल मीडिया के थ्रू हद से ज़्यादा ये अच्छा मौका मिल रहा है सबको तो इसका जितना से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है इसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया मैसेज दिया तो थैंक यू इतना कीमती से मैं दिया तो थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए अगर आपने कोई वीडियो का पार्ट अच्छा लगे नीचे कमेंट कर दियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो देव जाओ जय हरियाणा जय हरियाणवी